फिल्मों का शौक तो मुझे शुरू से था ही। ये बात लेट 80s की है, जिस जमाने में VHS टेप थे। हम इंग्लिश फिल्में लाइब्रेरी से भाड़े पे लेते थे, फिर लौटाते थे। एक दोपहर को मैं कतील वीडियो लाइब्रेरी से, जो कि बॉम्बे की बहुत मशहूर वीडियो लाइब्रेरी थी, कुछ इंग्लिश फिल्में लेकर बाहर आया तो मुझे कहीं से एक आवाज़ आई, हाय रोहन। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो दोबारा आवाज़ आई, हाय रोहन। तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे कहा, सर लगता है उस गाड़ी से आवाज़ आ रही है। तो मैं देख रहा था और धीरे 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 जब उसका शीशा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसमें हमारे महान कंपोज़र आरडी बर्मन साहब बैठे हुए थे। मैं तुरंत उनकी तरफ गया और मैंने उनके पैर छुए, कैसे हो रोहन, कैसे हैं महेंद्र जी। मैंने कहा, ठीक है सर, ये कौन सी फिल्म है तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा, सर दिखाओ 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 दिखाओ। जब उन्होंने फिल्में देखी तो कहने लगे, बहुत अच्छी चॉइस है यार तुम्हारी, लगता है तुम भी चेरी लुइस के फैन हो। तो मैंने कहा, जी सर। तो वो गाड़ी से बाहर आ गए और हम दोनों मिलकर इंग्लिश फिल्मों की बातें करते रहे। फिर कुछ ही देर में कहते हैं, रोहन कहीं जा तो नहीं रहे, शूटिंग तो नहीं आज। मैंने कहा, नहीं सर मैं घर जा रहा हूँ। तो कहते हैं, फिर मेरे म्यूजिक रूम चलो ना। मैंने कहा, चलिए सर मैं चलता हूँ। तो मैं बैठ गया उनकी गाड़ी में और सोचने लगा, आज कितना अच्छा दिन है, इतने बड़े कंपोज़र, मेरे फेवरेट कंपोज़र, मुझे खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर, खुद चलाकर अपनी म्यूजिक रूम ले जा रहे हैं। वो म्यूजिक रूम जाना जाने कितनी हिट फिल्मों के हिट गाने उन्होंने कंपोज किए होंगे। हम वहां पहुंचे तो बस फिल्मों की बातें, कभी जेरी लुइस, कभी डैनी के, कभी वुडी एलन, यही बातें करते रहे। तो अचानक मुझे कहते हैं कि रोहन, मेरे किसी म्यूजिशियन ने मुझे कहा था कि तुम गाते भी हो, स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना तुम। तो मैंने कहा, जी सर। तो कहते हैं, मुझे गाना सुनाओ ना। मैंने कहा, नहीं सर आपके सामने मैं गाऊं, नहीं नहीं तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हीं की कॉम्पोजिशन उनके सामने गाई जो मुझे बहुत पसंद थी। तो उन्होंने कहा, रोहन अगर भगवान ने चाहा और कभी मुमकिन हुआ तो जिस फिल्म के तुम हीरो होगे और मैं म्यूजिक डायरेक्टर होऊंगा उसमें मैं तुमसे गाने गवाऊंगा। ये यादें, ये पल मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकता, ये अमूल्य है मेरे लिए। तो आइए मैं उन्हीं की वो कॉम्पोजिशन जो मैंने उनको सुनाई थी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, नहीं नहीं नहीं।